उनी, इसमें थप्पड़ मारने की क्या बात है? इस ड्रेस के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? एक्सेप्शन सिर्फ मेरे लिए ही क्यों है? और मैं भी गुड बॉय बनूंगा। उनी, इसमें थप्पड़ मारने की क्या बात है? तुमको सारा काम इनका चेक करना चाहिए था ना? हाँ, सारा काम मैं ही चेक करूं। बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। अगर मैंने मैम को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पिटेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। बच्चों, आप सबने होमवर्क कर लिया? यस मैम। अनन्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट। बताओ बेटा, ये तो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या करूं? बताओ बेटा। सैटेलाइट। अनन्या, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Oh no! अपना माइक्रोफोन ऑन करो। ये क्या मैसेज भेजा है? मैम, आपका स्पीकर में प्रॉब्लम होगी। मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है? Oh no! मेरे स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनन्या, मुझे तुम्हारे ब्रदर की आवाज आ रही है, तो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? Oh no! Don't try to act smart. मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। A few moments later. अनन्या सिर्फ होमवर्क करना ही तो भूल गई थी। मुझे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मैं भी तो थक जाती हूं। पहले मेरी लाइफ कितनी एक्साइटिंग हुआ करती थी। ड्रेस के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? वैसे तो ये तो कलर बहुत ही अच्छा है, यही लगा लेती हूँ। एक वो लाइफ थी और एक ये लाइफ है। प्यारा प्यारा, अच्छा अच्छा मेकअप, पर लगाऊं क्यों? लगा के जाऊं कहां? क्या से क्या हो गई है मेरी जिंदगी? चलो 2 मिनट आराम ही कर लेती हूँ। अरे पुनीत, अरे यार, आज पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, पकौड़े बना दो ना। रमनीक, पकौड़े? मैंने यहाँ कोई 24/7 ढाबा खोला हुआ है। क्या पकौड़े? पकौड़े तो मेरे फेवरेट हैं। मम्मा प्लीज बना दो ना। अभी बनाती हूँ। A few moments later. मजे हैं अपने तो। पकौड़े खाओ, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करो और मस्त बैठो। शनाया, आपकी क्लास चल रही है? नहीं मम्मा, मैं तो गेम खेल रही हूँ। अच्छा। A few moments later. मम्मा, मेरी
दर्द हो रही है। ओहो, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैं कल की क्लास मिस कर दूं? अरे वाह बेटा, आपको तो क्लास मिस करने के बहाने चाहिए। कोई क्लास मिस नहीं होगी। और हाँ, ये फोन पे, आईपैड्स पे ये फालतू की गेम्स खेलना बंद कर दो। अब से आपकी जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होगी, आप तीनों अपने गैजेट्स मेरे को देकर जाओगे। ओके मम्मा। A few moments later. Hello ma'am. How are you? आप कैसे हैं? Hello Mrs. Puneet. मैम, सियान कैसे परफॉर्म कर रहा है क्लास में? आपने जो क्लास में न्यू पोएम सिखाई थी ना, सियान को बहुत अच्छे से आ गई है। सियान सुनाओ, मैम को सुनाओ। मैम, सियान को ना इस बार आप ए प्लस ग्रेड ही देना। मिसेस पुनीत, कैन वी कंटिन्यू द क्लास प्लीज? हाँ हाँ मैम, आप प्लीज क्लास कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी ना आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। जाओ ना। A few moments later. ये कर दी मैंने मेल सेंड, मेरा आज का काम खत्म। मम्मा मम्मा, हमें अपने फोन तो वापस दे दो ना। पर बेटा, आपकी आज की ऑनलाइन क्लास तो हो गई है ना? पर मम्मा, हम बोर हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बेटा, बिना फोन बिना इंटरनेट के कोई गेम खेल लो। मम्मा आप भी खेलो ना हमारे साथ। अनाला मैं बहुत थक गई हूँ। रमनीक आप खेलो ना बच्चों के साथ। देखो भाई, बच्चों का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम जानो, तुम ही खेलो इनके साथ। oh, no. चलो मैं खेलती हूँ, जाओ कोई बोर्ड गेम ले आओ। A few moments later. पुनीत, भूख लगनी शुरू हो गई है, कुछ खाने को बना दो ना। रमनीक, मैं बच्चों के साथ खेल के बनाती हूँ। अरे तो क्या मैं भूखा बैठा रहूंगा क्या? किचन का डिपार्टमेंट तुम्हारा है ना? रमनीक, सारे डिपार्टमेंट्स मेरे हैं। किचन का डिपार्टमेंट, बच्चों की पढ़ाई का डिपार्टमेंट, बच्चों के साथ खेलने का डिपार्टमेंट, घर की झाड़ू पोछे का डिपार्टमेंट, और भी सारे घर के डिपार्टमेंट सारे मेरे हैं। मैं इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। पर पुनीत, सिचुएशन ही ऐसी है, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो तुम भी आराम करती, ये तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन सिर्फ मेरे लिए ही क्यों है? आप मेरा थोड़ा सा हाथ नहीं बटा सकते? हाँ पुनीत, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम तो तुम्हारा बढ़ गया है। हमें, मतलब हम सबको अपने अपने तरीके से तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जाओ तुम खाना बना लो, बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना बनाने चला गया ना तो तुम सबको भूख ही नहीं लगेगी। हाँ जी मम्मा, वी आर सॉरी। अब हम सब आपको कम से कम परेशान करेंगे, और मैं शनाई की स्टडीज में भी हेल्प कर दूंगी, और मैं सियान की, और मैं भी गुड बॉय बनूंगा। आप सबने तो मेरा दिल खुश कर दिया, आप सबकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मेरी महीनों की थकान उतर।